मैं जिस रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाऊंगी वो इतना अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, नॉर्मल है, बट उसका टेस्ट इज वेरी वेरी गुड। फैसलाबाद के वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे ओपन किया है, तो हम लोग ट्राई करेंगे और मैं बताऊँगी कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ बहुत अच्छी है और फिर आप लोगों को टेस्ट भी करवाते हैं सारा कुछ। चले जी चलते हैं खाना खाने। हाँ जी जनाब, हम लोग पहुँच गए अल अज़ीज़ अज़फ़ार में, जो कि डीजी खान सिटी के सेंटर में ही है और उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ही आसान और है, हर किसी में, हर कोई आसानी के साथ वहाँ जा सकता है। और जनाब इनकी सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत खुली, गर्मियों में भी यही होती है और सर्दियों में ये तो कवर कर देते हैं, या इनके रूम्स भी हैं। इट्स अप टू यू कि आपने बैठना कहाँ पर है। हम लोग अल अज़ीज़ अज़फ़ार पर आए हुए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने जो जो चीज़ ऑर्डर की है ना, मैं आपको कहूँ, यहाँ का सूप बहुत अच्छा है, यहाँ पे इनकी फ़िश बहुत अच्छी है, इनके फ्राइज बहुत अच्छे हैं, इनका बारबेक्यू शिश्तो बोटी बहुत अच्छी है। वो जब आते हैं फिर हम खाते भी हैं और आपको दिखाते भी हैं। और हरम इज़ सो एक्साइटेड, दिस इज़ आउटडोर वेयर वी सेट। इन लोगों की सबसे अच्छी बात ये कि दिस रेस्टोरेंट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसमें ये नहीं है कि नॉर्मल टाइप लोग आते हैं, ये सारे हर किस्म के लोग आते हैं। हम मोस्ट प्रोबेबली घर में ही ऑर्डर दे के चीज़ मंगवाते थे, बट अब ज़रा सर्दियाँ आ गई तो दिल करता है बंदा बाहर भी खा ले। तो अगर हरम हमें बहुत तंग करती है, हरम हमें बहुत तंग करती है, बट want to enjoy outside और हम खाएँ पिए और पता चले इनका बारबेक्यू भी बहुत अच्छा है। तो देखते हैं जब आएगा, मैं गंदी आ रही हूँ, कुछ खाते पीते हैं तो फिर अच्छे भी आते हैं, कुछ जब खाओ पियोगे नहीं तो फिर एन जी शक्ल आने सी गई एन दी पी है। ये वीडियो मेरी डाल दो। हम लोगों ने ये लिए, मुझे पता नहीं था कि ये इतने ज़्यादा आ जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा, हमने खाना भी मंगवाया हुआ था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ये वापस ले लें। अब देखें वो हमारे साथ क्या करते हैं, लेते हैं या नहीं लेते। इसमें इनके जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये बहुत मज़े के हैं, मुझे इनकी क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं था कि वो चार प्लेट्स में सर्व करेंगे, हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था। तो जनाब हम लोगों ने उनको दो प्लेट्स वापस कर दी और दो हम लोगों ने खाई, बहुत मज़े के थे, बहुत फ्रेश क्रंची और बहुत मज़े के, जो कि यहाँ के रहने वाले नाइजीरियन है दे पीपल नो कि इनके कितने ज़बरदस्त होते हैं फ्राइज़, बहुत मज़े के हैं ये। मैं आपको दिखाती हूँ इसका लव दिस, और इनका सूप बहुत आला था। मैंने सूप इसलिए कम मंगवाया था क्योंकि मेरे बच्चे सूप नहीं पीते, लेकिन जब वो मैं पी रही थी तो वो मुझे देख देख के उन्होंने कहा हमने भी पीना है। तो बहरहाल ये हम लोगों ने, उन्होंने मतलब इसमें आपको हर क्वांटिटी में मिलेगा, वन बाउल भी मिलेगा, हाफ भी आप लेना चाहें, फुल भी लेना चाहें, इट्स अप टू यू कि आपने कितना लेना है, जितनी सर्विंग आपने उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये बहुत मज़े का है, टेस्ट कैसा है मम्मा? मैंने ट्राई करना है, टेस्ट कैसा है? गुड, थोड़ा सा मेरी वीडियो बता। गाइस सूप इज सो गुड, सम एक्सटेंड साइज स्पाइसी भी है, अगर आप विजिट करते हैं तो स्पाइसी भी आप लोग इंजॉय बहुत करेंगे। गाइस आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको अभी भी इस होटल में आओ तो आपको सबसे पहले जब ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेट है, हम पूरे 2 घंटे से बैठे हुए, हमारा ऑर्डर नहीं आया ऐसे अभी तक, तो ये बात बड़ी गंदी लगी। लेकिन नहीं, हम लोगों ने फ्राइज भी खाए हैं और सूप भी पी रहे थे, खाना उसके बाद ही आएगा, पहले तो नहीं आएगा, बड़ी बड़ी नहीं आएगी। Thank you.
हाँ जी, मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो है फ़िश, इनकी ग्रिल्ड फ़िश है जो कि बहुत मज़े की है और स्पाइसी भी इतनी नहीं है। अगर आप स्पाइस लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनको कह दें तो वो स्पाइसी भी बना देते हैं, बट ये नॉर्मल थी और मैं ये पूरी खा गई माशाल्लाह से। बच्चों ने भी खाई, मैंने भी खाई और बहुत मज़े की थी ये। अगर आप नेक्स्ट डे अगर आपकी बच जाती है और आप इसे दोबारा गर्म करके खाते हैं तब भी ये बहुत डिलीशियस होती है। और ये पूरी की पूरी ग्रिल थी और इकोनॉमिकल थी, बिल इतना ज़्यादा भी नहीं आया जिस हिसाब से हमने चीज़ें मंगवाई थी, तो ये बहुत मज़े की, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और दूसरा इनका जो बारबेक्यू है वो है शिस्तो बोटी, उसका सबसे अच्छा काम जो इन लोगों ने किया, इन्होंने अपना सर्दियों की वजह से इन्होंने इसके नीचे स्टीम मतलब हीट दी हुई है ताकि आपका बारबेक्यू ठंडा ना हो जाए, क्योंकि सर्व करते ही चीज़ ठंडी हो जाती है, तो उन्होंने बारबेक्यू के नीचे इन्होंने अपना स्टीम दिया हुआ है ताकि वो गर्म रहे और आप इंजॉय कर सकें अपने मील को। हमने राइस भी साथ लिए थे और उसके साथ सर्व किया, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। शिस्तो बोटी तो हर कोई इसका दीवाना है, शिस्तो बोटी और ग्रिल फिश और सूप और इनके फ्राइज़ बहुत मज़े के हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच।